तो जहाँ तक बात है जर्मी बेंथम की, वो भी बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से था और उसको कंसिडर किया जाता है एज अ यूटिलिटेरियन फिलासफर। और ये यूटिलिटेरियन के लिए जो वहाँ से मीनिंग आता है, दैट इज़ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और जहाँ तक जर्मी बेंथम की बात है, इसको कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और जिस तरह लॉक ने बोला था नेगेटिव स्टेट, तो इसी तरह जो बेंथम है इसने भी बोला है नेगेटिव फंक्शंस। तो नेगेटिव फंक्शंस यहाँ पर है, और इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक मेथड को ज़्यादा तरजीह दी है। और जैसे आजकल वोटिंग होती है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो जर्मी बेंथम के रिलेटेड है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। जो आजकल वोटिंग हो रही है, चाहे वो लोकसभा राज्य या बाकी पार्लियामेंट्स के लिए, असेंबलीज के लिए होती है, जिसमें डायरेक्ट वोट किया जाता है या जिसमें इनडायरेक्ट वोट किया जाता है, जो आमतौर पर पहले चलता था वो था पेपर, पेपर बैलेट या ओपन वोटिंग जो हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो है ये सीक्रेट बैलेट है। तो सीक्रेट बैलेट को इन्होंने सपोर्ट किया था। और जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स हम देखते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली, तो जो बेंथम थे इन्होंने टू हाउसेज की जगह यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को तरजीह दी। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मतलब जैसे हम जनरल विल में बोलते थे, जनरल विल इज द सम टोटल ऑफ ऑल रियल विल्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है, इसका मतलब है रियल विल, दैट विल एम एट कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल, नॉट एट द पर्सनल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को इसने सपोर्ट किया। इसको जे एस मिल ने नाम दिया प्रोग्रेसिव फिलासफर। सो बेंथम वॉज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव फिलासफर बाई जर्मी बेंथम। बेंथम वॉज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव फिलासफर बाई जे एस मिल, एंड बेंथम वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ लीगल फिलासफर्स बाई ए वी डाइसे। तो ए वी डाइसे जो ब्रिटिशर फिलासफर था या ऑथर था, उन्होंने बेंथम को नाम दिया फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ लीगल फिलासफर्स। और जो जे एस मिल हैं, उन्होंने प्रोग्रेसिव फिलासफर का लकब दिया था जर्मी बेंथम को। और जो इसका बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, जिससे यूटिलिटी निकली है, ये यूटिलिटी इन्होंने खुद यूज़ नहीं की, सबसे पहले ये कुछ और लोगों ने यूज़ की, लेकिन वो उसको साइंटिफिक फूटिंग, साइंटिफिक शेप देने में नाकाम रहे। और बेंथम को ये क्रेडिट जाता है जिसने यूटिलिटी को साइंटिफिक फूटिंग दी, साइंटिफिक शेप दी, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया साइंटिफिक मेथड में। तो जहाँ तक बेंथम से पहले यूटिलिटी को यूज़ करने की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज यूज बाई डेविड ह्यूम एंड प्रीस्टली फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो दो फिलासफर्स थे, डेविड ह्यूम और प्रीस्टली, उन्होंने यूटिलिटी को यूज़ किया। हेल्वेटियस एक फ्रेंच फिलासफर था, हेल्वेटियस ने फ्रेंच में, फ्रांस के वो थे, उन्होंने वहाँ फ्रांस में सबसे पहले इसको यूज़ किया यूटिलिटी को। और इटली से था बेकारिया, तो बेकारिया ने इटली में यूटिलिटी को यूज़ किया। तो बेंथम से पहले चार लोग थे, डेविड ह्यूम, प्रीस्टली, ये दोनों इंग्लैंड के थे, बेकारिया इटली का था, और हेल्वेटियस फ्रांस का था। इन चार लोगों ने बेंथम से पहले यूटिलिटी को यूज़ किया, यूटिलिटेरियनिज्म को यूज़ किया, बट दे फेल्ड इन गिविंग इट अ साइंटिफिक शेप। और इन चार में से सिर्फ एक फिलासफर से बेंथम ने ये यूटिलिटी बारो की, एंड दैट इज प्रीस्टली। जब आपसे पूछा जाएगा बेंथम बारोड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, द टर्म यूटिलिटी फ्रॉम, तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो है प्रीस्टली। तो प्रीस्टली जो ब्रिटिशर था, उससे बेंथम ने ये टर्म ले ली। वो चारों नाकाम हो गए इन गिविंग इट अ साइंटिफिक शेप, एंड इट वॉज बेंथम हु फर्स्ट ऑफ ऑल अमंग दी इंग्लिश फिलासफर्स या जो भी यूरोपियन फिलासफर्स थे, जिन्होंने बेंथम जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को एक साइंटिफिक शेप दी बाई यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड। इसके अलावा हम जब हमने होब्स पढ़ा, तो वहाँ लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरियन। जो लॉ बनाने का काम था वो सोवरियन का था, तो उन्होंने एब्सोल्यूट सोवरियन की बात की थी। और जो लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरियन है, इसके साथ एग्री किया है बेंथम ने। तो बेंथम एग्रीड विद होब्स दैट लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरियन। इसके अलावा इन्होंने बोला जो सोर्स ऑफ लॉ है वो कोई नेचर नहीं है, सोर्स ऑफ लॉ इज़ स्टेट ओनली। सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू बेंथम इज स्टेट ओनली। फिर इसने ये प्रिडिक्शन, ये अंदाजा किया, लॉज कुड बी गिवन बाई गॉड नॉट बाई नेचर, लॉज कुड बी गिवन बाई गॉड नॉट बाई नेचर, बट ही बिलीव दैट स्टेट इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ।
और बेंथम के लिए बहुत सारी टर्म्स थी, जैसी जैसे नेचुरल लॉ है, नेचुरल राइट्स है या नेचर है, ये वैल्यूलेस कॉन्सेप्ट्स है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, दे आर वेग टर्म्स, दे आर वेग टर्म्स। तो नेचर को ये डायरेक्टली अपोज था, इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई किया, तो बेंथम जस्टिफाइड दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जहाँ तक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है, इसने वहाँ पर बता दिया, जब हम देख रहे हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और सीक्रेट बैलेट को इन्होंने सपोर्ट किया, और तो इन्होंने जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसने डेमोक्रेसी को बोला, लेकिन ये सिंपल डेमोक्रेसी नहीं है, बट इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिकॉज इसने जस्टिफाई किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट कैन प्रोवाइड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर विल ओनली बी फुलफिल्ड इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके अलावा सेक्युलर कैरेक्टर जो बेंथम का था, इसमें इसने चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था उसको अपोज किया, तो चर्च को इन्होंने अपोज किया। और इसने ये भी कहा जो पनिशमेंट है इट शुड नॉट एम एट रिटेलिएशन, आप किसी को टॉर्चर करते हो उसके बाद वो भागी बन जाएगा, नो। इसने जो पनिशमेंट के लिए बात बोली है, आइडिया दिया है, इट शुड एम एट रिफॉर्मेशन एंड करेक्शन रादर देन रिटेलिएशन। रिटेलिएशन पे पनिशमेंट का एम ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ से बंदा फिर रिटेलिएट करे लेटर ऑन पनिशमेंट खत्म होने के बाद, नो। पनिशमेंट शुड एम एट करेक्शन, इट शुड एम एट रिफॉर्मेशन। और इस पनिशमेंट के रिलेटेड इसने एक थ्योरी दी है, दैट इज नोन एज पनिशमेंट थ्योरी गिवन बाय बेंथम। और जो पनिशमेंट थ्योरी है इसके तीन टाइप्स है, इसके तीन टाइप्स है, नंबर वन डिटरेंट थ्योरी, नंबर टू प्रिवेंटिव थ्योरी एंड नंबर थ्री रिफॉर्मेटिव थ्योरी। डिटरेंट, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव। डिटरेंट में ये है आप पनिशमेंट देते हो नॉट डिस्करेज, तो डिटरेंट थ्योरी में आप किसी को डिस्करेज नहीं कर सकते हो। और दूसरी आती है प्रिवेंटिव थ्योरी, इसमें आप ये पनिशमेंट जो लोअर लेवल का होता है, लोअर नेचर का होता है, उसमें आप ये इसका एम आपका एम यह रहता है कि हम जो इसको पनिशमेंट एक प्रिवेंटिव थ्योरी के तहत देते हैं, ये कोई गलती ना करे, इसको हम बचाएं गलतियों से, इसने अगर एक बार की है तो दूसरी बार ये नहीं करना चाहिए, इसको हम बचाएं, दैट इज प्रिवेंटिव थ्योरी। जो डिटरेंट थ्योरी थी वहाँ आप उसको पनिशमेंट देने के दौरान डिस्करेज नहीं करते हो, बल्कि आप उसको एनकरेज कर रहे हो। एनकरेज किस लिए कर रहे हो कि गलती सबसे होती है, आइंदा ख्याल रखिएगा, यू शुड नॉट टेक सच स्टेप्स, यू हैव टू लिव अ लाइफ अहेड, यू हैव फैमिली बिहाइंड यू, यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर योर फैमिली। तो ये डिटरेंट थ्योरी में आता है, आप डिस्करेज नहीं करोगे। प्रिवेंटिव थ्योरी में आप एरर मिस्टेक्स गलतियां करने से रोकेंगे उसको। और जो आखिरी टाइप है पनिशमेंट थ्योरी का, दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, उसका एम ही ये है, आप उसको काउंसलिंग वहां पर कर रहे हो पनिशमेंट के दौरान, सो दैट टू रिफॉर्म हिम, सो दैट टू रिफॉर्म हिम, चेंज हिज माइंड सेट, चेंज हिज माइंड सेट, करेक्ट हिज मिस्टेक्स, मेक हिम करेक्ट हिज थिंकिंग माइंड सेट एटसेट्रा। तो ये प्रिवेंटिव थ्योरी थी, प्रिवेंटिव थ्योरी तो पनिशमेंट थ्योरी रादर। तो पनिशमेंट थ्योरी में इन्होंने तीन थ्योरीज बताई है, डिटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी। और इन जनरल पनिशमेंट के लिए बेंथम ने बताया है पनिशमेंट शुड एम एट करेक्शन, रिफॉर्मेशन एंड नॉट एट रिटेलिएशन, नॉट एट रिटेलिएशन। ये कुछ चीज़ें थी जो बेंथम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी बहुत सारी किताबें रही हैं, बेंथम की बहुत सारी किताबें इसकी रही है, और इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे वो फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, या फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट जो इसने दी थी बेंथम ने। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द मॉरल्स दी है, तो इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड इसने किताब दी है, तो बहुत सारी किताबें इसने दी है। और जो मैंने आज पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं लेटर ऑन शेयर करूंगा, उसमें मैंने बुक्स नहीं मेंशन किए हैं, मे बी उस बुक से मैं फोटो उठा के वो शेयर करूंगा, बाकी बोर्ड भी मैं शेयर करूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बेंथम के रिलेटेड हमने जाननी चाहिए थी। और फिर रही बात बेंथम का जो मेन कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, हम उसकी तरफ आते हैं। तो जहाँ तक यूटिलिटेरियनिज्म की बात है, यूटिलिटेरियनिज्म में सबसे पहली बात यही होती है, बेंथम का ये अपना कंसेप्ट नहीं था, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव दिस यूटिलिटी अ साइंटिफिक फूटिंग एंड ही बारोड दिस टर्म फ्रॉम प्रीस्टली। उससे पहले चार लोगों ने यूज़ की, प्रीस्टली और ह्यूम ने, इंग्लैंड ने, बेकारिया ने इटली में, और हेल्वेटियस ने फ्रांस में। तो उसके बाद ये बेंथम ने यूज़ की है, और बेंथम ने जब ये यूटिलिटी यूज़ की है या यूटिलिटेरियनिज्म यूज़ की है, तो इसने इसको जस्टिफाई किया बाय सेइंग दैट इट एम्स एट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो उसके बाद ये ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म का नेचर बताता है, ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म यानी यूटिलिटेरियनिज्म का टोटल नेचर क्या है। सबसे पहली बात वहाँ जो आती है वो आती है हेडोनिज्म।
सबसे पहली बात वहां पर आती है हेडनिज्म। तो हेडनिज्म के बारे में बेंथम पहली बात करता है। हेडनिज्म के बारे में वो बताता है हर एक इंडिविजुअल का बाय बर्थ उसका ये एम रहता है, एक चेरिश डिजायर रहता है कि मुझे पेन नहीं बल्कि प्लेजर्स मिले, मुझे पेन नहीं बल्कि प्लेजर्स और स्माइल्स मिले, हैप्पीनेस मिले मुझे। इसमें बेंथम ने ये भी बता दिया मैन बाय नेचर इज रिपल्सिव, मैन बाय नेचर इज रिपल्सिव टू पेन्स, लिहाजा वो हमेशा ये चाहता है कि मुझे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें, बिकॉज बाई नेचर मैन इज रिपल्सिव टू मिजरीज एंड पेन्स। और इसने ये भी बता दिया है हेडोनिज्म में एवरी थिंग इन द सोसाइटी शुड बी कंसिडर्ड, एवरी थिंग इन द सोसाइटी शुड बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। सोसाइटी में उसको ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। आप अपने आप को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि औरों के फायदे के लिए। दैट इज ही बिलीव्ड इन सच कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, आपसे दूसरों को फायदा होना चाहिए। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, सो एवरी थिंग इन द सोसाइटी शुड बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। क्योंकि यूटिलिटी का जो मेन एम है, यूटिलिटी का जो मेन मकसद है वो यही होता है मैक्सिमम सोशल प्लेजर एंड हैप्पीनेस, मैक्सिमम सोशल प्लेजर एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा बेंथम ने ये बता दिया है अकॉर्डिंग टू जो नेचर है इट हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द टू सॉवरेन मास्टर्स, जो नेचर है इसने मैनकाइंड को टू सॉवरेन मास्टर्स के तहत रखा है। ये जो टू सॉवरेन मास्टर्स है, एक है दर्द एक है खुशी, वन इज पेन अनदर इज प्लेजर, दर्द और मज़ा, पेन एंड प्लेजर, स्माइल्स एंड सोरोज, जॉयज एंड सोरोज। तो मैनकाइंड को नेचर ने रखा है दो सोवरियन मास्टर्स के तहत, एक है पेन और दूसरा है प्लेजर। और जो हेडनिज्म में वो यही कहता है यू शुड एम एट, यू शुड यूटिलाइज यूर सेल्फ इन द वे सो दैट टू फुलफिल द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यू शुड यूटिलाइज इन दैट वे एंड सोसाइटी में आपको कंसिडर किया जाएगा आपकी यूटिलिटी कैसी रही है, आपकी यूटिलिटी कैसी रही है। और नेचर ने मैनकाइंड को रखा है दो सोवरियन मास्टर्स के तहत, मैन बाई नेचर मिजरेबल टू पेन्स है तो वो हमेशा ये चाहता है मुझे सिर्फ खुशियाँ मिले, मुझे सिर्फ खुशियाँ मिले। और यूटिलिटी का मकसद यही है कि आप पेन को शन करोगे और हैप्पीनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करोगे, यूटिलाइज करके अपने आप को। तो ये हेडनिज्म में आता है, और हेडनिज्म का अगर मेन एम हम देखेंगे वो हमेशा यही होती है प्लेजर एंड हैप्पीनेस, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। तो हेडनिज्म के बाद अगर हम यूटिलिटी को देखेंगे तो यूटिलिटी भी मैंने आपको बता दिया, इसका मेन एम यही रहता है टू यूटिलाइज यूर सेल्फ इन द वे इन सच अ वे सो दैट टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्लेजर एंड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज यूटिलिटी। तो हेडनिज्म में यही आता है हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस कब आएगी, जब आप अपने आप को वैसे यूटिलाइज करोगे। और बाई नेचर देर आर टू थिंग्स, वन इज दिन भी है रात भी है, सो डे एंड नाइट इज देयर, अच्छाई भी है और साथ साथ बुराई भी है, फूल भी है कांटा भी है। तो जब आप अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हो, या तो आपसे अच्छी ये जो आप अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हो इससे या तो सोसाइटी को फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन आपको एम हमेशा यही होना चाहिए जो पेन है वो कम हो और जो हैप्पीनेस हो वो ज्यादा हो। यू शुड यूटिलाइज यूर सेल्फ इन दैट वेरी वे सो दैट टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्लेजर एंड हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये आप यूटिलिटी में कर सकते हो। और बाय नेचर मैन इज गवर्न्ड बाय टू सॉवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर, एंड यू शुड ऑलवेज एम एट प्लेजर, यू शुड ऑलवेज एम एट प्लेजर। तो दूसरा आता है इसमें यूटिलिटी। यूटिलिटी में आप अपने आप को कैसे यूटिलाइज करके सोसाइटी में आप कॉमन इंटरेस्ट ला सकते हो, जो आपका अपने लिए जो आप बेहतर समझते हो वो भी आप, वो आप कॉमन लोगों के लिए भी बेहतर समझो, दैट इज यूटिलिटी, दैट इज यूटिलिटी। तो हेडनिज्म और यूटिलिटी के बाद आपकी हमेशा प्रेफरेंस ये सोसाइटी या स्टेट या नेशन में रहनी चाहिए यूटिलिटी एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया, यूटिलिटी एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया। ये यूटिलिटी एज अ प्राइमरी क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या होता है, टू सीक प्लेजर एंड टू शन पेन, टू सीक प्लेजर एंड टू शन पेन। आपने इसमें भी यही है टू सीक प्लेजर एंड टू शन पेन, आपने जितना हो सके आपने जो गम मिलते हैं दर्द मिलता है वो कम होना चाहिए, और आपके एफर्ट्स से सिर्फ अच्छाई फैलनी चाहिए, हमेशा लोगों को फायदा होना चाहिए, हमेशा लोगों को फायदा होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड रिमेन ऑलवेज यूजफुल टू अदर्स एज वेल एज टू योर सेल्फ टू। तो आपने के साथ साथ दूसरों के लिए भी आप यूजफुल होने चाहिए। सो यूटिलिटी आपकी प्राइमरी प्रेफरेंस या क्राइटेरिया होना चाहिए।
लेकिन उसके बाद एक और टर्म आ जाती है, दैट इज कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी, कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। इसको हम ये भी बोलते हैं फेलिसिफिक कैलकुलस या हेडोनिस्टिक कैलकुलस। हेडोनिस्टिक कैलकुलस और फेलिसिफिक कैलकुलस, ये क्या चीज़ें होती है? सेवन कैलकुलस आर दियर, सेवन थिंग्स आर दियर। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स। जो फेलिसिफिक कैलकुलस या हेडोनिस्टिक कैलकुलस होते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंथम देयर आर सेवन हेडोनिस्टिक और फेलिसिफिक कैलकुलस। एंड एज फार एज दीज कैलकुलस आर कंसर्न, दीज आर द मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड प्लेजर। ये जो सेवन फेलिसिफिक कैलकुलस होते हैं या हेडोनिस्टिक कैलकुलस होते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंथम दीज आर दी मेजर मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड प्लेजर। और जहाँ तक इन फेलिसफिक कैलकुलस की बात है, इनमें इंटेंसिटी आती है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंटिटी, सर्टेनिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्योरिटी, एक्सटेंट, यानी किस हद तक रहती है ये, कब तक रहेगा, ड्यूरेशन इसकी क्या रहेगी, एक्सटेंट कब तक जा सकती है, इंटेंसिटी। तो ये मेजरिंग, ये जो तीन सेवन क्वांटिटीज़ है, ये सेवन क्वांटिटीज़ है मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड प्लेजर। एंड दीज सेवन क्वांटिटीज़ अकॉर्डिंग टू बेंथम आर नोन एज फेलिसिफिक कैलकुलस और हेडोनिस्टिक कैलकुलस। तो हेडोनिस्टिक कैलकुलस और फेलिसिफिक कैलकुलस आर सेवन इन नंबर, एंड दीज आर दी मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड प्लेजर, मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड प्लेजर। उसके बाद वहाँ पर सेंक्शन की बात बेंथम करता है। जहाँ तक पेन और प्लेजर की बात है, वहाँ चार सेंक्शंस भी हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम देर आर फोर सेंक्शंस रिगार्डिंग पेन एंड प्लेजर। ये सेंक्शंस क्यों आती है, ये सेंक्शंस क्यों आती है? तो इससे पहले फेलिसफिक कैलकुलस की हमने बात की है, कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, पेन कितना है, प्लेजर कितना है, उसके लिए सेवन क्वांटिटीज़ है, मेजरिंग क्वांटिटीज़ जो मैंने आपको बता दी है, मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड प्लेजर। अब यहाँ पर सेंक्शनज हैं, फोर सेंक्शनज बेंथम ने बता दी है, और ये सेंक्शनज, ये चार सेंक्शनज क्या है? आपको पेन और प्लेजर मिलता है, लेकिन ये कैसे मिलता है, ये कैसे मिलता है? उसमें नेचुरल आता है, नेचुरल को हम फिजिकल भी बोलते हैं, मॉरल, पब्लिक और रिलीजियस आता है। तो देर आर फोर सेंक्शंस एज फार एज पेन एंड प्लेजर आर कंसर्न। सो फोर सेंक्शंस रिगार्डिंग पेन एंड प्लेजर, नेचुरल नोन एज फिजिकल एज वेल, मॉरल, पब्लिक एंड रिलीजियस। जहाँ तक नेचुरल दिस सेंक्शन या फिजिकल सेंक्शन की बात है, दोज पेन्स एंड प्लेजर्स विच आर नेवर द रिजल्ट ऑफ एनी ह्यूमन एफर्ट। वो पेन्स और प्लेजर्स जो कभी किसी ह्यूमन एफर्ट की के नतीजे के तौर पर नहीं होते हैं, जो किसी ह्यूमन एफर्ट की वजह से नहीं मिलती हैं पेन और प्लेजर्स, बट कहाँ से आती है? गिवन बाय नेचर इन द कोर्स ऑफ टाइम। वो नेचुरली आपको मिलती हैं, वो गम और खुशियाँ वो आपको नेचुरली मिलती हैं, उनमें किसी इंसान का, आदमजात का, उसमें किसी आर्टिफिशियल हैंड किसी का नहीं होता है उन पेन्स एंड प्लेजर्स में। और वो जो पेन्स एंड प्लेजर्स आपको मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको एज बाई नेचर, और वो आती है किस सेंक्शन में? फिजिकल और नेचुरल सेंक्शन में। क्योंकि बेंथम ने चार सेंक्शन बता दी है, तो दूसरी सेंक्शन उन्होंने बता दी है मॉरल सेंक्शन। दिस इंप्लाइज द सेंक्शन दैट इज प्रॉम्प्टेड बाय गुडविल, बाय गुडविल और कॉन्टेम्प्ट एट द हैंड्स ऑफ योर फेलो बींग्स। या तो हमारे अपने सोसाइटी में कुछ लोग रह रहे हैं, या हम किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं, हम उसको एहसास नहीं दिला रहे हैं कि हम उसके साथ अच्छे हैं, सिंपथेटिक है, लविंग है, रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टिव है, बट वो खुद रियलाइज कर रहा है कि ये बंदा मेरे साथ अच्छा है, तो उसके लिए वो हमें वहाँ से रिटर्न कभी कभार देता है। क्या देता है? अगर हम उसके साथ अच्छा रहेंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ से अच्छा ही रिटर्न करेगा। दैट्स अ मॉरल सेंक्शन। और मॉरल सेंक्शन में ये अच्छाई ही नहीं है, बल्कि इसमें कभी कभार वहाँ से पेन भी मिल सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से आप किसी को पेन दे रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट पेन फ्रॉम अदर्स एज वेल। तो मॉरल सेंक्शन में ये आता है बाय योर ओन एक्ट, आपका जो गुडविल जेस्चर है, गुडविल, या तो आपका गुडविल है तो इसकी वजह से आपको प्लेजर्स मिल रहे हैं, या तो आपका एविल विल है, बैड विल है, बैड कंडक्ट है, और उसकी वजह से तो फिर पेन्स मिलेंगे। सो दिस वॉज द सेकेंड सेक्शन दैट इज नोन एज मॉरल सेक्शन।
उसके बाद आ जाती है पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन में आती है वो सेक्शन गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म थ्रू मजिस्ट्रेट्स बाय देयर लीगल पावर्स। तो ये जो पब्लिक सेक्शन होती है इट इज़ गिवन टू द इंडिविजुअल्स बाय मजिस्ट्रेट्स थ्रू दियर लीगल पावर्स, थ्रू दियर लीगल पावर्स। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को अरेस्ट किया गया है, अब वो बंद है लेकिन उसका जुर्म साबित नहीं हुआ तो उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो उसको वहाँ पर वो प्लेजर मिलता है, वहाँ पर वो प्लेजर मिलता है। तो इसके अपोजिट में फिर पेन ही आती है। तो यहाँ पर जो ऐसी बात होती है तो ये आती है किस सेंक्शन में, आती है पब्लिक सेंक्शन में। और जो चौथी सेंक्शन बेंथम ने बताई है दैट इज़ रिलीजियस सेंक्शन। और जहाँ तक रिलीजियस सेंक्शन की बात है इसमें आपको ये पेन्स और प्लेजर्स मिलते हैं, पेन्स और हैप्पीनेस मिलती है बिकॉज ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ मुस्लिम तो आप 5 टाइम्स प्रे करते हो, या रिसिटेशन करते हो, चाहे अपना हाथ से कुरान की रिसिटेशन जो भी है, कोई हिंदू है तो वो गीता, या क्रिश्चियन या सिख, तो आपने अपनी मजहबी किताब को आप फॉलो कर रहे हो और आपका कंडक्ट एज पर रिलीजन इज़ कंसर्न तो वो परफेक्ट रहता है, तो आपको डेफिनेटली आपको इस दुनिया में प्लेजर्स मिलते हैं, वहाँ भी आपको प्लेजर्स ही होंगे। लेकिन अगर आप इस पर अमल नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस समथिंग बैड देन। तो ये जो रिलीजियस सेंक्शन होती है ये कहाँ से मिलती है? फ्रॉम रिलीजियस डॉक्ट्रिन। जब आप उनको फॉलो करोगे आपको अच्छा मिलेगा, नहीं फॉलो करोगे तो बुरा ही होगा। तो दीज आर द 4 सेंक्शंस गिवन बाय बेंथम एज फार एज पेन्स एंड प्लेजर्स फॉर कंसर्न। तो ये 4 सेंक्शंस उन्होंने बोली हैं। उसके बाद उन्होंने बोले हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लेजर्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लेजर्स। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लेजर्स क्या होते हैं? जैसे सिंपल प्लेजर्स में आती है वेल्थ आता है, स्किल आती है, ब्यूटी आती है, पावर आता है, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं सिंपल प्लेजर्स। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्लेजर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेजर्स या पेन्स जो होते हैं दे अराइज आउट ऑफ सिंपल पेन्स एंड प्लेजर्स इन वन फॉर्म और दी अदर फॉर्म। लेकिन सिंपल प्लेजर्स के लिए आपने याद रखना है सिंपल प्लेजर्स में ज़्यादातर यही आता है, चाहे वो वेल्थ की बात हो, वो स्किल की बात हो, वो पावर की बात हो, इमेजिनेशन या होप या रिलीफ की बात हो। इसी तरह अगर हम सिंपल पेन्स को देखेंगे उसमें इलनेस आती है, सिंपल इसमें आती है इलनेस, सिंपल पेन्स में इलनेस आती है, उसमें मेमोरी आती है, प्राइवेशन। मेमोरी मतलब आपकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको एक पेन सी रहती है। एक्सपेक्टेशन, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम द पीपल एंड यू आर गेटिंग हर्ट, तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको सिंपल पेन्स मिलते हैं। तो सिंपल प्लेजर्स भी है, सिंपल पेन्स भी है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स पेन्स और प्लेजर्स होते हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ सिंपल पेन्स एंड प्लेजर्स इन वन फॉर्म और दी अदर फॉर्म। तो ये होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स पेन्स एंड प्लेजर्स। उसके बाद बेंथम एंड पे बता देता है हेडोनिस्टिक कैलकुलस, जो मैंने आपको बता दिया उसमें भी यही मेजरिंग, ये फिकंडिटी इंटेंसिटी एक्स्ट्रा आते हैं, मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ पेन्स एंड प्लेजर्स। लेकिन यहाँ पर वो बताता है एवरी एक्शन शुड बी जजड, एवरी एक्शन शुड बी जजड एट द बेस ऑफ पेन एंड प्लेजर, एट द बेस ऑफ पेन एंड प्लेजर। ठीक है, हमने 4 सेंक्शंस बता दी जिसमें फिजिकल या नेचुरल आती है, रिलीजियस मॉरल या उसमें पॉलिटिकल या पब्लिक आती है। जो यूटिलिटी होती है इट मस्ट बी क्लियर, आपका जो मेन एम होगा वो क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू यूटिलाइज यूर सेल्फ इन दैट वेरी वे सो दैट टू सर्व द पीपल वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स एज वेल। और जो बेंथम चाह रहा था, ये जो आप अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हो अच्छे से, वो चाह रहा था ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है ये वो अप्लाई करे लेजिस्लेशन में भी, ये वो अप्लाई करे लेजिस्लेशन में। तो ये आप जब मैंने आपको बता दिया यूटिलिटी एज ए प्राइमरी क्राइटेरिया, वहाँ आप अपने आप को इतना यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो टू सीक प्लेजर एंड टू शन पेन, जितना हो सके मिनिमाइज करो पेन को या ख़त्म करो, और जितना हो सके प्लेजर को बढ़ाओ, हैप्पीनेस स्माइल्स को बढ़ाओ, जॉयज़ को बढ़ाओ। तो इस तरह बेंथम चाह रहा था कि इस ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है इसको वो लेजिस्लेशन में भी यूज़ करें। लेकिन उसको लेजिस्लेशन में यूज़ करे कैसे यूज़ करेगा उसने वहाँ पर बता दिया, जब मैंने बोला बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, उन्होंने बता दिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट विल प्रोवाइड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर। और इसने यहाँ पर यह भी बता दिया हेडोनिस्टिक कैलकुलस में यूटिलिटी मीन्स शेयर ऑफ पीपल इन लेजिस्लेशन, शेयर ऑफ पीपल इन लेजिस्लेशन।
शेयर ऑफ पीपल इन लाइसोलेशन, जब वो बोलता है शेयर ऑफ पीपल इन लाइसोलेशन, तो पीपल्स को कौन सा शेयर रहता है लाइसोलेशन में? वो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्रेट बैलेट से वो किसी को वोट डालते हैं यूनिकेमरल लाइसोलेशन के लिए, और वो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर वो उनके लिए काम करते हैं। जब वो उनके लिए काम करते हैं फेथफुली और ऑनेस्टी के साथ, तो वहां पर उनको पेन नहीं बल्कि प्लेजर्स मिलते हैं। दैट इज वाई उन्होंने ये चाहा कि यूटिलिटी को मैं लेजिस्लेशन में अप्लाई करूंगा, और इसके लिए उन्होंने बता दिया जो ये लेजिस्लेशन में यूटिलिटी को मैं ये करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा लेजिस्लेशन में, अप्लाई करूंगा यूटिलिटी को लेजिस्लेशन में। इसका मतलब है यूटिलिटी मीन्स शेयर ऑफ पीपल इन लेजिस्लेशन, शेयर ऑफ पीपल इन लेजिस्लेशन, क्योंकि वो लोगों को चुनते हैं अपने आप के काम करने के लिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं लोगों के लिए और वो लोगों के लिए फिर काम करते हैं। वो ऑनेस्टली के साथ काम करते हैं तब जाके लोगों को स्माइल्स और प्लेजर्स और हैप्पीनेसेस मिलते हैं। दैट इज वाई बेंथम ने यहाँ पर बता दिया जो डेमोक्रेसी है दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर। सो ही टोटली अवॉइडेड एरिस्टोक्रेसी, ही टोटली अवॉइडेड एरिस्टोक्रेसी। बाकी रही बात जो मैंने आपको बता दिया नेचर के साथ, चाहे नेचुरल लॉ की बात हो, नेचुरल राइट्स की बात हो, या टर्म नेचर की बात हो, इसके लिए बेंथम ने बोला है इट इज़ टोटली वेक कंसेप्ट, वैल्यूलेस कंसेप्ट। प्राइवेट प्रॉपर्टी को इसने जस्टिफाई किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इसने जस्टिफाई किया। इसके अलावा बेंथम ने पनिशमेंट के बारे में बता दिया है, पनिशमेंट जो होगी इट शुड एम एट करेक्शन और रिफॉर्मेशन, और पनिशमेंट के रिलेटेड उसने थ्योरी दी है, पनिशमेंट थ्योरी या पेंथम। उसमें वो तीन टाइप्स आते हैं, डिटरेंट, प्रिवेंटिव और रिफॉर्मेटिव। बाकी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म या यूटिलिटी, वो इसने कहाँ से लाई है? प्रीस्टली से लाई है, प्रीस्टली भी इंग्लैंड से था। वो चार लोग जिनने यूटिलिटी को यूज़ किया था बेंथम से पहले, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक लुक, साइंटिफिक फूटिंग टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। दैट इज वाई दे क्रेडिट टू प्रोवाइड द साइंटिफिक फूटिंग और लुक टू दिस कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी गोज टू बेंथम। और बेंथम को डाइसी ने बता दिया है फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ लीगल फिलासफर्स, और जेस मिल ने प्रोग्रेसिव फिलासफर का इसको नाम दिया है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बेंथम के बारे में जानना ज़रूरी था। और लेटर ऑन आई एम गोइंग टू शेयर द ब्लैक बोर्ड, दिस जो मैंने बोर्ड पर मेंशन किया पॉइंट्स, वो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी वो डायरेक्टली मैं बुक से, जो इसके अदबी खदमात जिनको हम कहते हैं, इसकी बुक्स हैं, वो भी मैं लेटर ऑन शेयर करूंगा।